सेंटर पे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल हैं आप सबके। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं छोटी सी राइड पे। राइड क्या, वैसे तो ऑफिस वर्क ही है, बट राइड की राइड हो जाएगी मैंने सोचा। आज हम जा रहे हैं लुधियाना। और बाइक है हमारे पास R15 V3। V3 है तो आपको पता ही है किसका है, ये है दीपक भाई का। दीपक के पास है हमारा बाइक। दीपक नहीं जा रहा अपने साथ, सिर्फ हम दीपक का बाइक लेके जा रहे हैं। और चलते हैं, मिलते हैं आप सबको सीधा हाईवे पे। तो गाइस ये रहा अपना दीपक भाई, आगे आगे अपने हमारे बाइक पे। कुछ भी है ना, 200 की पीछे से ना लुक बहुत कैंट आती है यार, ऑसम लगता है बाइक पीछे से देखने में। बढ़िया बातचीत एकदम। सो दिस इज मोहाली पंजाब। पंजाब की सबसे बड़ी खासियत, यहाँ हरी लाइट वाले इतने नहीं होते जितने रेड लाइट जंपर्स होते हैं। ये ग्रीन है ना यार, आपको चार बार इधर उधर देख के जाना पड़ेगा यहाँ पे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? एक नहीं, बंदे ने पांच पांच बंदे बिठाए हुए थे यार। हम पहुंच चुके हैं फर्स्ट टोल प्लाजा, खरड़ क्रॉस करके। ये खरड़ वाला ही है वैसे। और अब हम जा रहे हैं लुधियाना की तरफ। टाइम हो रहा है 9, यहाँ से होती है अपनी राइड शुरू। दिस इज जावा, नाइस सीट यार। बस ऐसी ही अच्छी लगती है, टूरिंग बाइक्स वाली फीलिंग आती है पूरी ना। जावा पे पूरी हार्ले वाली फीलिंग आती है यार, अगर बंदे ने थोड़े लाउड साइलेंसर्स लगवाए हो ना। तो मजा आ जाए इसको। अगर बात करें ना V3 की, तो V3 में यार सबसे बड़ी दिक्कत ना हमें एक ही लगती है, हमें क्या मुझे लगती है, वो है यार इसकी हैंडलिंग। उसमें ना ऐसे झुकना पड़ता है, देखो ये कैसे झुका हुआ मैं, और मुझे आदत है ऐसे सीधा बैठने की। तो यार इसलिए ना मुझे थोड़ा सा मतलब मज़ा नहीं आता इसमें V3 में ना, सिर्फ एक यही कमी लगती है मुझे। क्योंकि मतलब ऐसे लॉन्ग राइड मारनी है जैसे, तो ऐसे झुक के मारने में ना यार ना हो जाती है बॉडी की, हाथ पैर दर्द करने लग जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, चले हुए हैं, मिलते हैं आके। तो गाइस हमें काफ़ी देर हो गई है यार आराम आराम से चलते हुए, टाइम हो गया 9:30। आधे घंटे से हम चले हुए हैं 50-60 की स्पीड पे। अब सुस्ती का माहौल हो रहा था थोड़ा सा, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा बाइक खींचा जाए। करते हैं मोटो व्लॉगिंग कर रहे हैं जब इतना स्वाद ले रहे हैं, तो V3 को खींच के भी देखते हैं। क्या बात है, 146। तो V3 का गाइस
टॉप जो है वो है 146, इससे तेज नहीं गया ये। खींचा जरूर था मैंने बट गया नहीं। बहुत होती है यार 146, ओ माय गॉड। हमारा NS200 बताता है भाई, पावर देख रहे हो V3 की, बहुत गलत पावर है। मेरा NS जाता है यार इतना। हाँ 150 भी चला जाता है वो, बट मैं इतना लगा नहीं पाता उसको, क्योंकि ना वो एक लिमिट के बाद आके वो बंप करने लग जाता है बाइक, दैट्स व्हाई ना उसमें, क्योंकि हवा की कटिंग है नहीं है। तो V3 की ये खासियत है कि ये ना ज़मीन से चिपका रहता है, फुल फेड बाइक जितने भी होंगे ना यार उनका यही एक फ़ायदा होता है कि ज़मीन से जुड़ के चलते हैं। बस बहुत बढ़िया अटेम्प्ट था यार 146, क्या बात है। अब देखते हैं कहीं पे रुकते हैं, चाय पीते हैं थोड़ी थोड़ी, उसके बाद निकलेंगे आगे। सिटी ऑफ पंजाब गाइस, मतलब यार मेरा ना शुरू से ड्रीम है क्या था ही कह लो, बट है भी है कि मेरा एक घर हो जैसे वो घर बना हुआ है, ऐसे खेत ही खेत हों चारों तरफ, बीच में मेरा घर हो, क्या बात है यार, मज़ा आ जाएगा। भगवान ये ड्रीम भी एक पूरा करना हमारा यार। प्रभात फेरी, वाह हाथी भी है, बहुत टाइम बाद देख रहा हूँ यार मैं।